अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं फरहान यूसुफ एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं कि हमने अपने लाइव सेशन के अंदर जो लास्ट हमने कंडक्ट किया था उसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स के हवाले से बात की थी, और इस हाइड्रोकार्बन के चैप्टर के अंदर इस पर जो हम पोर्शन कर रहे थे वो हमारे पास बेंजीन था। आज हम इस बेंजीन के पोर्शन को भी कंप्लीट करेंगे और अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि अल्काइल हैलाइड है, जो कि हमारी सीरीज का चैप्टर नंबर 16 होगा। तो हम इस लाइव सेशन के अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बेंजीन है उसको हम कंप्लीट आउट करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास जो लास्ट हमारे पास जो टॉपिक रह चुका है उसमें हमारे पास MDCAT केमिस्ट्री के हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन छुपी है वो हम आपके सामने रिवील करेंगे, और सेकेंडली तौर पे ये देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जो हमें जानने चाहिए, जो हमें पता होने चाहिए, जो जिनका हमें कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ताकि उन कॉन्सेप्ट को आप यूज करते हुए MDCAT केमिस्ट्री के अंदर MCQs को बआसानी तौर पर सॉल्व कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि आप लोगों की ही ये एफर्ट्स हैं, आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों की कंट्रीब्यूशन है कि जिसकी बुनियाद पर हमारा ये चैनल है इसके 6 लाख सब्सक्राइबर्स जो है वो प्लस हो चुके हैं। तो आप सबका शुक्रिया इन तमाम स्टूडेंट्स का, उन तमाम लोगों का कि जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया हुआ है, और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें आगे भी देते रहेंगे, हमारी वीडियोस को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, और फर्दर लोगों तक पहुंचाएंगे भी, शेयर भी करेंगे। तो तमाम लोगों का शुक्रिया कि जिन्होंने ये तमाम के तमाम पॉसिबल हमारे लिए किया है, और इतना हमने बड़ा अचीवमेंट जो है हमने हासिल कर ली है आज के दिन, और ये आप सबका शुक्रिया है, और इस पूरी टीम का जो है वो शुक्रिया है। इस तमाम टीम के हवाले से जो है हम कहेंगे कि जिनकी एफर्ट्स हैं कि जिनकी एफर्ट्स हैं आपने रिकॉग्नाइज की हैं, और अल्टीमेटली हमने ये लैंडमार्क जो है वो अचीव किया है। तो वापस चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, और जैसे मैं आपसे कहा था कि हम बेंजीन का जो लास्ट रिमेनिंग पार्ट है उसको आज कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद फर्दर जो है मूव करेंगे, आगे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि अल्काइल हैलाइड है। तो रिमेनिंग पोर्शन करते हैं बेंजीन का, और लास्ट जो हमने लास्ट सेशन किया था उसमें जो लास्ट पार्ट हमने जो है डिस्कस किया था आपके साथ वो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थे, ठीक है। और अब हम आगे चल रहे हैं, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से फर्दर मोर आगे चलते हुए हम अब एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे और साइड वे ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं एडिशन रिएक्शन की, जैसे देखिए हमने डिस्कस भी किया था कि कैलकुल ने जब अपना स्ट्रक्चर प्रपोज किया था उसमें उसने कहा था कि जो बेंजीन है, ठीक है, वो हाईली सैचुरेटेड कंपाउंड है और वो एडिशन रिएक्शंस को मोर फ्रीक्वेंटली तौर पे शो करता है। लेकिन फिर हमने यही देखा था कि यही जो बात उसने कही थी अपने स्ट्रक्चर को डिफेंड करने के लिए वो बाद में जाकर उसी का डिफेक्ट बन गया था। तो यही बात हम यहाँ पर देखने लगे हैं। देखिए, हम एडिशन करवा रहे हैं यानी हाइड्रोजिनेशन करवा रहे हैं बेंजीन की, और इस बेंजीन जो कि हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है इसे सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन हाई फ्रीक्वेंटली एडिशन रिएक्शंस को शो करने का मतलब ये होता है कि अगर आप एडिशन रिएक्शंस करवाएं तो आपको कोई कंडीशन रिक्वायर ना हो, या कोई खास कंडीशन रिक्वायर ना हो, कोई कैटलिस्ट रिक्वायर ना हो, कोई हार्ड कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर की रिक्वायर ना हो। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर निकल कैटलिस्ट भी हम यूज कर रहे हैं, इसके बावजूद भी हमें 100 to 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ रहा है, और ऑलमोस्ट बहुत लो प्रेशर जो है, जो कि 2 to 3 एटमोस्फेरिक प्रेशर है, ये हमें अप्लाई करना पड़ता है किस चीज के लिए कि जी हम इस बेंजीन को जो कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है इसको सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो किस तरीके से रहा है कि आप सिंपली ये बात जानते हैं, जैसे हमने लास्ट भी डिस्कस किया था, हमने जब ओपन चेन स्ट्रक्चर्स की बात की थी, इवन अल्कीन की बात की थी, उसमें भी हमने हाइड्रोजनेशन प्रोसेस को जो है अंडरस्टैंड किया था। हो ये रहा है कि हमारे पास ये जो पाई बॉन्ड्स हैं इस बेंजीन रिंग के अंदर, हमने बात डिस्कस की थी कि ये पाई बॉन्ड्स होते हैं, ये डिलोकलाइज्ड बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो ये जो पाई बॉन्ड्स हैं, ठीक है, इन पाई बॉन्ड्स को हम ब्रेक करते हैं क्योंकि पाई बॉन्ड्स आर वीकर बॉन्ड, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ये जो पाई बॉन्ड्स हैं ये टूटेंगे, और टूटने के बाद ये हाइड्रोजन जो है वो इनके जगह पर इधर कार्बन एटम्स के ऊपर एड अप हो जाएंगे। अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्यों कहते हैं किसी एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड को, हम इसलिए कहते हैं कि उस कंपाउंड के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड के अलोंग कोई एटम जो है उसके ऐड होने की गुंजाइश बाकी रहती है। तो यहाँ पर भी चूंकि डबल बॉन्ड मौजूद है तो ये डबल बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, और इसकी जगह पर हम ये हाइड्रोजन एटम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे और इसे अनसैचुरेटेड से एक सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारे पास 1,3,5 साइक्लोहेक्सा ट्राइईन है, और ये सिंपली तौर पे आफ्टर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन
यही कंपाउंड अब साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस रिक्वायर है, आपको कंडीशंस के बारे में कल भी आपसे कहा था कि कंडीशन आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि ये कंडीशंस जो है, ये कंडीशंस वो पूछ लेता है अगर आपको जिस रिएक्शन को ऊपर राइट कर दे और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क अगर आपको वो शो करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने नीचे ऑप्शन में वो ऑप्शन देखना है कि जो राइटली टॉपिक यहाँ पर आएगा कि जिसकी वजह से ही ये रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करता है और फर्दर मूव करते हुए फाइनल प्रोडक्ट जो है इसकी फॉर्मेशन करता है। तो ये फर्स्ट रिएक्शन जिसमें हम एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। सेकंड जो हमारे पास रिएक्शन है इसको हम साइड वे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, साइड चेन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इसका सिंपली मतलब क्या होता है, देखिए बेंजीन इटसेल्फ कॉन्टैक्ट रहेगा, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, बेंजीन बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन इंपैक्ट रहेगा, उससे कोई जो है सरोकार नहीं है इस पूरे रिएक्शन के अंदर। जो चीज इन्वॉल्व हो रही है वो क्या है कि इस बेंजीन रिंग के साथ आपने एक साइड चेन लगा ली है, इस चेन के ऊपर ऑक्सीडेशन का अमल होता है इस केमर ऑफ 4 की मौजूदगी की बिना पर। आपकी बात जानते हैं कि चाहे केमर ऑफ 4 हो, चाहे आपके पास K2Cr2O7 हो या Na2Cr2O7 हो, ये तमाम के तमाम जो है ये हाई ऑक्सीडेशन आपके लेके, ये जो जितने भी मैंने गिनवाए आपको कैटलिस्ट गिनवाए, ठीक है, ये आप कह सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। केमर ऑफ 4 हो गया, K2Cr2O7 हो गया, Na2Cr2O7 है, इसके अलावा हमारे पास K2CrO4 भी होता है। ये तमाम के तमाम जो है वो हाई या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के तौर पे बिहेव करते हैं, और ये करते ये है कि ये आपको सिस्टम के अंदर से एटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करवा के देंगे। हम ये बात जानते हैं कि चाहे वो रेडिकल्स हो या कोई भी एटॉमिक फॉर्म के अंदर कोई एटम हो, वो हाईली रिएक्टिव स्पीशी होती है। ये हाईली रिएक्टिव स्पीशी फौरन से अटैक करती है किसी भी साइड चेन के ऊपर और इसे ऑक्सीडाइज कर देती है। तो यहाँ पर भी यही प्रोसेस हो रहा है कि जिसमें ये जो ऑक्सीजन है, यानी जो एटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है, ये इस मिथाइल ग्रुप के ऊपर अटैक करते हैं और इस मिथाइल ग्रुप को कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के अंदर, और अल्टीमेटली ये जो आपका टॉलिन था ये अब बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारे पास साइड चेन रिएक्शन है। अब देखें जरा, अगर हमारे पास यहां पर जो लगा हुआ अल्काइल ग्रुप है, अगर मैं इसकी लेंथ को इंक्रीज करता हूं तो क्या इस सेक्शन पे कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, ये भी क्वेश्चन रेज होता है। और ये आपके जहन में होना चाहिए कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अल्काइल ग्रुप इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने रिक्वायर होंगे और फाइनल प्रोडक्ट में कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहां मैं कोई भी आपको रिटर्न दे सकता हूं और आपसे कह सकता हूं कि फाइनल प्रोडक्ट इनमें से कौन सा होगा, पॉसिबल ऑप्शन देके आपसे पूछ सकता हूं कि फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल ये तो हमारे पास जो साइड चेन लगा हुआ है, ये तो हमारे पास सिंपल मिथाइल है। अगर मैं इस मिथाइल की जगह पर लगा लेता हूं इथाइल, तो इस केस के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ एटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन कितने रिक्वायर होंगे और फाइनल प्रोडक्ट हम क्या गेट करेंगे, ये हम देखते हैं अब नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। जैसे यहां पर हमने मिथाइल ग्रुप देखा है, यहां पर हम इथाइल ग्रुप लगा रहे हैं, और अब यहां पर जब मिथाइल ग्रुप था तो सिर्फ और सिर्फ 3 एटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर थे। अगर हमारे पास इथाइल ग्रुप है तो इसके लिए हम 6 एटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज करेंगे। तो अगर जो आप ये, अगर आप ये इक्वेशन देखते हैं तो इस इक्वेशन में ये चीज वाजे हो रही है कि अगर आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज करते हैं, जैसे आप 1 से 2 पे ले जाते हैं अपने अल्काइल ग्रुप को, तो नंबर ऑफ एटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन भी क्या हो जाएंगे, वो फिर बढ़ते जाएंगे। अगर 1 कार्बन एटम है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 3 एटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर है, अगर 2 कार्बन एटम है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 6 एटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर है। फाइनल प्रोडक्ट वही है ये, और इसमें कोई फर्क नहीं है, मैंने इसको कंडेंस फॉर्म में राइट कर दिया है। ये स्ट्रक्चरल फॉर्म के अंदर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, दोनों के दोनों बेंजोइक एसिड हैं, कोई फर्क नहीं है। चाहे आपके पास अल्काइल चेन इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल जितनी मर्जी बड़ी हो जाए, अल्टीमेटली जो आपका मेन प्रोडक्ट बनना है वो बेंजोइक एसिड ही बनेगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। जितने एक्स्ट्रा नंबर ऑफ कार्बन एटम आप यहां लगाएंगे वो सब के सब कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होते जाएंगे, मेन प्रोडक्ट पे ऐसा कोई फर्क नहीं आने वाला, ठीक है। बस आप ये ध्यान में रखेंगे कि अगर यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम मैं इंक्रीज करता हूं, ये 2 है तो मैं इसे 3 कर देता हूं तो ये 9 हो जाएंगे, अगर मैं इसे 4 कर देता हूं तो ये 12 हो जाएंगे, अगर मैं 5 करता हूं तो ये 15 हो जाएंगे। यानी आप सिंपल ध्यान में रख सकते हैं कि अगर हमारे पास ये जो चेन लगी हुई है इसमें 1 कार्बन एटम हमारे पास है तो इस 1 कार्बन एटम के लिए 3 एटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर है, अगर 2 लगे हैं तो 6, मतलब कि ईच कार्बन एटम विल रिक्वायर 3 एटॉमिक ऑक्सीजन।
कि ताकि हम इसकी ऑक्सीडेशन कर सकें और इसे कन्वर्ट कर सकें अपने मेन प्रोडक्ट में, जो कि हमारे पास बेंजोइक एसिड होगा, और बेंजोइक एसिड ही हमेशा बनेगा इन तमाम रिएक्शंस के थ्रू। तो ये बात आपने जरूर समझनी है और अपने जहन में रखनी है। तो एक तो ये हमारे पास चीज रह गई थी हाइड्रोकार्बन के अंदर बेंजीन के हवाले से, और जो लास्ट चीज हमारे पास रह गई है जो कि इंपॉर्टेंट है वो ये है डायरेक्शन, ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ द ग्रुप, ठीक है, जो कि हम लगाएंगे बेंजीन के ऊपर। तो हम उसकी डिस्कशन करते हैं कि वो हमारे पास क्या होती है। देखिए हम बेंजीन की बात कर रहे हैं, हम ये बात जानते हैं कि ये एक प्लेनर स्पीशी है। प्लेनर मतलब हेक्सागोनल, प्लेनर स्पीशी का मतलब ये होता है कि तमाम के तमाम जो इसकी बॉन्ड लेंथ हैं वो तमाम के तमाम इक्वल है। हमने कल ये बात डिस्कस भी कर ली थी, ये अराउंड 1.397 एंगस्ट्रॉम होती है। ये जो बॉन्ड लेंथ हमारे पास हमें दिख रही है, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे हमारे पास सिंगल बॉन्ड हो, इन तमाम की बॉन्ड लेंथ जो है वो इक्वल है, जो कि 1.397 एंगस्ट्रॉम के इक्वल है। अब हम ये बात कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के ऊपर ऑलरेडी ही एक सब्सिक्वेंट अटैच है, यानी ब्रांच अटैच है, यानी एक्स कोई भी ब्रांच हो सकती है, ठीक है। अब अगर इस एक्स की मौजूदगी में मैं इस बेंजीन रिंग के ऊपर सेकंड सब्सिक्वेंट अटैच करने जा रहा हूं, यानी सेकंड सब्सट्रेट हमारा जो है वो आकर इस पे अटैक करेगा और इसके ऊपर एड हो जाएगा, तो वो किस पोजीशन पर ऐड होगा, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन एक्स नेचर। यानी ये जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट मेरे पास लगा हुआ है इस बेंजीन रिंग के ऊपर, इसकी नेचर डिसाइड करेगी कि जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट मेरे पास आ रहा है वो बेंजीन के किस पॉइंट के ऊपर जाकर अपने आप को ऐड अप करेगा, किस डायरेक्शन में अपने आप को ऐड अप करेगा, क्या फाइनल प्रोडक्ट हमें देगा, ठीक है। यानी ये एक्स डिसाइड करेगा कि हमारे पास जो आने वाला सब्स्ट्रेट है, आने वाला सब्स्टिट्यूएंट है, वो इनमें से किस लोकेशन के ऊपर अपने आप को ऐड अप करेगा। तो अगर हम बात करते हैं एक्स की, तो एक्स के अकॉर्डिंग हम ये बात कहते हैं कि ये जो पोजीशंस हैं वेरी नेक्स्ट टू द एक्स, ठीक है, इन पोजीशंस को हम ऑर्थो कहते हैं, इसको हम कैपिटल ओ से शो करते हैं, ऑर्थो ये हमारे पास है, ठीक है। और उसके बाद ये जो नेक्स्ट हमारे पास पोजीशंस आती हैं, यानी नेक्स्ट पोजीशन ऑफ ऑर्थो ये जो हमारे पास आती है उससे वेरी नेक्स्ट आती है नेबरिंग पोजीशन जो उसकी हम कह सकते हैं, ये हमारे पास मेटा कहलाती है, मेटा, ठीक है, इसको हम स्मॉल एम से शो करते हैं, मेटा पोजीशन ये कहलाती है। और जो लास्ट रिमेनिंग एक पोर्शन ये रहेगा हमारे पास, ये हमारे पास पैरा कहलाता है, जिसको हम पी से शो करते हैं, ये पी से शो किया जाता है, ठीक है। तो तीन हमारे पास एक्चुअली तौर पे ओरिएंटेशंस हैं, लोकेशंस हैं बेंजीन के अंदर, अगर फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी अटैच है तो इसके अकॉर्डिंग ये पोजीशंस ऑर्थो हैं, ये पोजीशंस मेटा हैं, और इस पोजीशन को हम पैरा पोजीशन का नेम देते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इन पोजीशंस की, तो फिर आने वाला सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे अपने आप को अटैच करेगा, ये डिपेंड करता है इस एक्स के ऊपर, यानी फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर अटैच डिपेंड करता है। फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट दो तरह के हो सकते हैं, फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट किस किस टाइप के हो सकते हैं, या तो ये हो सकते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग स्पीशीज, या फिर ये हो सकता है सेकंड वन जो है वो मेटा डायरेक्टिंग स्पीशीज है। या तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग स्पीशीज होगा या फिर ये मेटा डायरेक्टिंग स्पीशी होगा, इनमें से कोई एक होगा। तो अब कौन सा जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है वो ऑर्थो और पैरा होता है, और उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और कौन से सब्स्टिट्यूएंट जो हैं वो एज अ मेटा डायरेक्टिंग स्पीशी के तौर पे बिहेव करते हैं, और उनकी किस तरह की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो क्या अमल शो करते हैं बेंजीन रिंग के अंदर, कि आने वाला सब्स्टिट्यूएंट सिर्फ और सिर्फ मेटा पोजिशन पर ही अपनी प्लेसमेंट शो करेगा, अपने आप को वहां पर ही लगाएगा, ये हम इस पर देखेंगे। और इसको हमने जानना है, कॉन्सेप्ट वाइज समझना है, कि ताकि फर्दर हमें क्लेरिफाई हो सके, अगर हमारे पास कोई एमसीक्यू से रिलेटेड बनता है तो हमें अंदाजा हो सके कि किस टाइप के हमारे पास एक्स जो है यानी फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है वो ऑर्थो पैरा होते हैं, किस टाइप के मेटा डायरेक्टिंग स्पीशीज होती है, और वो एक्चुअली तौर पर करते क्या है बेंजीन के अंदर, कि ये जो फिनोमिना है ये शो होता है, ठीक है। तो ये हम अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए जब भी हमारे पास एक्स जो है, ठीक है, यानी एक्स की हम इस पर बात कर रहे हैं और इसको ही कह रहे हैं कि ये हमारे पास ऑर्थो पैरा हो सकता है या मेटा डायरेक्टिंग स्पीशी हो सकता है, जब भी हमारे पास एक्स कोई ऐसी स्पीशी होगी कि जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, मैं अगर इसे नीचे राइट कर दूं, ठीक है,
हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, यानी वो स्पीशीज के जो क्या है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगी, जिसमें हमारे पास कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं। इसमें हमारे पास आ सकता है NO2 नाइट्रो ग्रुप हमारे पास आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कौन सा ग्रुप और आ सकता है, इसके अलावा हमारे पास सल्फेटो ग्रुप हमारे पास यानी सल्फोनिक एसिड ग्रुप हमारे पास हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास जो है इवन के ये जो कार्बन कार्बन कंटेनिंग ग्रुप्स होते हैं COOH हो गया, ठीक है, ये ग्रुप हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास बेंज एल्डिहाइड का ग्रुप हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अमाइनो एसिड का ग्रुप हो सकता है, ठीक है। ये तमाम के तमाम वो ग्रुप्स हैं कि जो करते ही हैं कि जो रेजोनेंस थ्रू रेजोनेंस और थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स हम कहते हैं इनको, ठीक है। जब ये इस पोजीशन पर होते हैं तो इन तमाम ग्रुप्स की बात करते हुए कहते हैं कि ये क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग स्पीशीज होती हैं, मेटा डायरेक्टिंग स्पीशीज होंगी। ये ग्रुप्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को इन बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेंगे, इसकी वजह से ये मेटा डायरेक्टिंग स्पीशीज के तौर पर बिहेव करेंगे। और तमाम के तमाम वो ग्रुप्स, ठीक है, कि जिनके बारे में हम कहते हैं कि वो ग्रुप्स के जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं बेंजीन रिंग को, ठीक है, टुवर्ड्स बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन्स की डोनेशन करते हैं थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस का आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रेजोनेंस का मतलब सिंपली क्या होता है कि अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को लेते हुए या इवन के अपने लोन पेयर को लेते हुए ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं बेंजीन रिंग के अंदर, इनसाइड बेंजीन रिंग देते हैं, ठीक है। इस तरह की ग्रुप्स को हम सिंपली कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये तमाम के तमाम स्पीशीज जो हैं ये एज अ ऑर्थो और पैर डाइटिंग स्पीशीज कहलाएंगे, ठीक है। तो इन जनरल इन दो पॉइंट्स को राइट डाउन कर लेते हैं, ये आप अपने जहन में रखेंगे, इनको भी अपने पास रखेंगे, इन नोट डाउन करके रखेंगे ताकि हमें क्लियरिफाई हो के फिर ऑर्थो पैर डाइटिंग स्पीशीज कौन सी होती है और बेटर डाइटिंग स्पीशीज कौन सी होती है। तो इसे दफा नीट एंड क्लीन नोट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास ऑर्थो पैरा डाइटिंग स्पीशीज हैं, इनके हवाले से हम कहते हैं कि ये क्या करते हैं, ऑर्थो पैरा डाइटिंग स्पीशीज जो हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन करती हैं बेंजीन के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट इनका जो है ए, हम कह रहे हैं कि इनका ये बेसिक मकसद होता है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगी टू बेंजीन रिंग, और जब ये बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगी तो उससे फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। इन दो पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। और थर्ड हमारे पास ये करते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन की डोनेशन करेंगे बेंजीन रिंग के ऊपर तो उससे क्या होगा कि बेंजीन रिंग जो है, ये आप सिंपल ये लिख लेंगे, एक्टिवेशन प्रोसेस टेक प्लेस इन बेंजीन रिंग, यानी बेंजीन के अंदर क्या होता है कि एक्टिवेशन प्रोसेसिंग जो है वो क्या होता है, टेक प्लेस करता है। एक्टिवेशन का सिंपली मतलब क्या है कि एक्टिविटी रिएक्टिविटी ऑफ द बेंजीन रिंग जो है वो इनहांस करती है, वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑर्थो पैरा डाइटिंग स्पीशीज करती है कि इलेक्ट्रॉन की डोनेशन करेगी किसके ऊपर, यानी बेंजीन रिंग के अंदर। सेकंड ये होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन की है तो इससे क्या होगा कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनहांस हो जाएगी। थर्ड ये होता है कि जब इलेक्ट्रॉन इन्होंने डोनेट किए हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा, बेंजीन रिंग ऑलरेडी ही एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिच स्पीशी है तो उसमें फर्दर इलेक्ट्रॉन की रिएक्शन के थ्रू उसकी एक्टिविटी और इनहांस हो जाएगी। हम ये तमाम की तमाम चीजें कह रहे हैं उस हवाले से क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि जो सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है, आने वाला जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी होता है। तो उसको अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से मिलेंगे तो वो उतना ही जल्दी से रिएक्ट करेगा और एक्टिविटी उतनी ही ज्यादा शो करेगा, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम ऑर्थो पैरा डाइटिंग स्पीशी के हवाले से है। अगर हम पैरा की बात कर लें, मेटा की सॉरी बात कर लेते हैं, ठीक है, तो और मजीद क्लियरिफाई हो जाएगा हमें ये पॉइंट। अब इस वक्त हम डिस्कशन कर रहे हैं पैरा डाइटिंग स्पीशी की।
और इस ये करते क्या है, सबसे पहले जो जिस तरह से हमने बात कहा था कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स विदड्रॉ। ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है। सेकंड हमारे पास ये है कि इनके थ्रू क्या होता है, जैसे वहां हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ठीक है। तो ये करते ये है कि जब इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करवाते हैं तो उसके थ्रू क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। जब ऑर्थो और पैरा पोजिशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी मतलब डिक्रीज कर जाएगी, तो जो मेटा पोजिशन है अल्टीमेटली उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाहिर सी बात है नजर दिखेगी। आने वाला इलेक्ट्रोफाइल उससे नजर आएगा कि ऑर्थो और पैरा पे ऑलरेडी ही डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरी यानी हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो चुकी है। तो मेटा वो पॉइंट है कि जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेटर है एज कम्पेयर टू ऑर्थो एंड पैरा, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेटा पे ही अटैक करेगा। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, दूसरा ये है कि हमारे पास ऑर्थो और पैरा पोजिशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि आने वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सिर्फ और सिर्फ मेटा पोजिशन के ऊपर ही अपने अपने अटैक करता है और अपनी अटैचमेंट को शो करता है। और थर्ड ये होता है, जैसे हमने बात कहा था एक्टिवेशन प्रोसेस होता है, यहां पर डी एक्टिवेशन प्रोसेस होता है। डी एक्टिवेशन इन बेंजीन रिंग टेक प्लेस। यानी आप सिंपल ये कह सकते हैं कि जब भी हमारे पास क्या होगा, ये जो X हमारे पास यहां लगा हुआ था, ठीक है, यानी फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ था हमारी बेंजीन के ऊपर, अगर वो पैरा डायरेक्टिंग मेटा डायरेक्टिंग स्पीशीज हम इस पर देख रहे हैं, ये मेटा डायरेक्टिंग है, ये पैरा नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मेटा डायरेक्टिंग स्पीशीज अगर हमारे पास फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर ऑलरेडी लगा हुआ है तो वो क्या कहता है इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ करता है, डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे कम कर देता है, मेटा पे इंक्रीज कर देता है। तो अल्टीमेटली कहते हैं कि वो डी एक्टिवेशन प्रोसेस करता है इन बेंजीन रिंग, और डी एक्टिवेशन का सिंपली मतलब ये होता है कि वो एक्टिविटी यानी रिएक्टिविटी ऑफ द बेंजीन रिंग को खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, डिक्रीज कर देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास मेजर पॉइंट्स हैं अबाउट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग स्पीशी एंड मेटा डायरेक्टिंग स्पीशी, ठीक है। इसमें हमने ये देखा है कि ये जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं ये किस तरीके से बिहेव करेंगे और किस तरीके से बेंजीन की एक्टिविटी को इनहांस करेंगे या डिक्रीज करेंगे, और किन किन पोजिशंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनकी मौजूदगी की वजह से इंक्रीज या डिक्रीज होगी। तो ये तमाम चीजें हमने देखी हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं इन दोनों के लिए और इसके बाद फिर हमारा ये चैप्टर जो है वो क्लोज हो जाएगा, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से हम जो है एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमारे पास एग्जांपल के थ्रू ये चीज फर्दर जो है वो क्लियर हो सके। जैसे कि बेंजीन रिंग पर अगर फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी लगा हो मिथाइल ग्रुप, तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये एक्चुअली तौर पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग स्पीशी है, ठीक है। अब ये करता क्या है कि आने वाला जो ग्रुप है, फॉर एग्जांपल मैं HNO3 ही की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब आने वाला ग्रुप जो है जो कि नाइट्रो ग्रुप देगा हमें, ठीक है, इस नाइट्रो ग्रुप को या तो ऑर्थो या वो पैरा पोजिशन के ऊपर डायरेक्ट करेगा, यानी ये दो पॉसिबल पोजीशंस हैं हमारे प्रोडक्ट के अंदर कि या तो हमारा जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है या तो वो ऑर्थो पोजीशन पे रहेगा या वो पैरा पोजीशन पे अपनी अटैचमेंट को शो करेगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास ऑलरेडी फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट जो लगा हुआ है वो नाइट्रो हो NO2, तो आने वाला जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है, फॉर एग्जांपल हम अल्काइलेशन ही कर रहे हैं, तो अल्काइलेशन के दौरान हम AlCl3 यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट के तौर पे, तो इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप है वो नाइट्रो की मौजूदगी के अंदर सिर्फ एक ही पोजीशन पे अटैच हो सकता है जो कि हमारे पास है
मेटापोजिशन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये बात देखी है कि किस तरीके से जो ऑलरेडी लगा हुआ फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट होता है ये डिसाइड करता है कि कौन सी लोकेशन होगी जो कि सेकंड सब्स्टिट्यूएंट जो है वो लेगा बेंजीन रिंग के ऊपर और किस पोजीशन पे वो अपनी अटैचमेंट को शो कर सकता है, किस पोजीशन पे उसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये तमाम पॉइंट्स जो कि मैंने डिस्कस किए आपके सामने ये आपको क्लियर होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लाइव चैटिंग के अंदर भी मुझसे पूछ सकते हैं, इसके अलावा जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी तो कमेंट सेक्शन के अंदर भी जो है आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिस्पांस करूंगा और आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके से जो है आप अपने क्वेश्चन का आंसर मुझसे लेंगे और सही तौर पे ये कि अपने कॉन्सेप्ट को और बेहतर बना सकते हैं। MCQs के लिए लिंक ऑलरेडी नीचे मौजूद है, आप इस लिंक को ओपन करेंगे, इसके अंदर MCQs की एक्सरसाइज अवेलेबल है, इन MCQs की एक्सरसाइज को सॉल्व करें। किसी भी MCQ के हवाले से अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे आप डिस्कस करेंगे, मैं उस हवाले से भी आपको ब्रीफ कर दूंगा, आपको गाइड कर दूंगा किस तरीके से आपने MCQ को सॉल्व करना है। तो यहां तक के लिए इस लेक्चर के अंदर इस कॉन्सेप्ट के साथ यहीं तक इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आगे खिदमत में हाजिर हूंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।